धुसका 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 झारखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी है। टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त और बनाने में आसान, पर आज इसे हम एकदम नए अंदाज में सर्व करेंगे आमरस के साथ। तो चलिए जल्दी से इस मीठे नमकीन को बनाना शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करना ना भूलें। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कप चावल लेंगे और उसका आधे क्वांटिटी में चना दाल और उसके भी आधे क्वांटिटी में लेंगे उड़द दाल। और इन्हें धोकर एक रात पहले ही सोख होने के लिए रख देंगे। बस अब पानी ड्रेन करके इन्हें मिक्सी जार में ऐड कर देंगे। क्वांटिटी काफ़ी है तो दो पार्ट में हम इसको ग्राइंड करेंगे, पर उससे पहले इसमें 3 से 4 अदरक के टुकड़े और 4 से 5 हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर लेंगे। फाइनली इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे और फिर इसे एकदम स्मूथ फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेना है। देखिए एकदम इस तरह से। अब एक मिक्सिंग बोल में सारा मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब कुछ स्पाइसेस को ऐड करके इसे और फ्लेवरफुल बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐड करी हमने थोड़ी सी हींग, फिर रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है वैसे, 1 टेबलस्पून छोटी हरी सौंफ, उतना ही जीरा, अब 1/2 टेबलस्पून अजवाइन भी ऐड करेंगे। इसे ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ऐड करेंगे चाट मसाला, थोड़ी सी हल्दी, तीखी लाल मिर्च पाउडर, सबसे इम्पॉर्टेंट काला नमक और साथ में थोड़ा सा रेगुलर नमक। अब इन सारे स्पाइसेस को मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डोसे से बस हल्की सी पतली वाली चाहिए, एकदम मिक्सचर जो है आराम से गिरना भी चाहिए। अब हम फ्राइंग से पहले आमरस प्रिपेयर करेंगे। तो आज हमने 2 आम लिए हैं और सबसे पहले इसे पील करके चॉप करेंगे। और फिर इसे मिक्सी जार में ट्रांसफर कर दीजिए। साथ में ऐड करेंगे चीनी और बहुत ज़रा सा नमक और इस पॉइंट पर थोड़ी सी आइस भी ऐड कर सकते हैं। आज मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा थिक रखना है इसलिए आइस अवॉइड करूँगी और ग्राइंड करने के बाद ही इसे फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब लीजिए, हमारा आमरस अब रेडी है। चलिए धुसका बनाना अब शुरू करते हैं। तो 1/2 चम्मच बैटर हम गरम ऑयल और मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में इस तरह से एक ही पॉइंट पर बस गिरा देंगे, जैसे हमने मालपुए में किया था। एक बार जब बैटर ऑयल से ऊपर आ जाए तब हम जैसे पूरी फ्राई करते हैं सेम वैसे ही धुसके को भी फ्राई करेंगे, मतलब स्पैचुला से ऑयल ऊपर साइड पर बार बार गिराएंगे ताकि ये एकदम गोल गोल फूल जाए। याद रखिए, जितना अच्छे से फूलेगी उतना कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगी। 4 से 5 मिनट में ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो जाएगी और आप एक बारी में 3 से 4 धुसके आराम से बना सकते हैं। और लीजिए, देखिए हमारा ये एकदम नया और ज़बरदस्त कॉम्बो रेडी है। धुसके के ऊपर आमरस को आप अच्छे से स्प्रेड करिए और इन्जॉय करिए। है ना मीठा और नमकीन साथ में बड़ा रिफ्रेशिंग। अब आप भी ट्राई करी लीजिए गरम गरम धुसका और ठंडा ठंडा आमरस। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। चलिए अब जल्दी फिर मिलते हैं एंड तब तक के लिए टेक केयर।